हेलो नमस्कार दोस्तों, एच टेक अंकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेबसाइट की स्पीड की बात करें तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कि कितनी मैटर करती है। जब दोस्तों हमारी वेबसाइट स्लो होती है तो कोई भी यूज़र उसको स्किप करके दूसरी वेबसाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमें वेबसाइट की अपनी स्पीड अच्छे से मेंटेन करनी होगी, अच्छी रखनी होगी, ताकि जो यूज़र है वो हमारी वेबसाइट में टिका रहे। और दोस्तों, इसका सिग्नल गूगल के लिए भी अच्छा नहीं जाता है। अगर जिसका बाउंस रेट ज़्यादा होगा तो गूगल उसको रैंक से हटा देता है। अगर आप पहले नंबर पे रैंक कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप रैंक से हटते जाओगे, तो इस तरह से आपके विजिटर लॉस हो गए। तो स्पीड आपको अपनी वेबसाइट की मेंटेन रखनी होगी, अच्छी स्पीड रखनी होगी। तो अगर हम स्पीड की मेंटेन की बात करें तो दोस्तों बहुत से अलग अलग फैक्टर होते हैं, उसी में से होती है एक इमेज। अगर आपकी इमेज कंप्रेस्ड है, अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, तो आपकी जो स्पीड होगी वो इमेज के द्वारा प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपके इसमें दिक्कत आ रही है इमेजेस की, तो आपको किस तरह से रिजॉल्व करना है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं गूगल इनसाइट से, तो वहाँ पे भी गूगल भी आपको बताता है कि आपको जो इमेजेस होगी वो कंप्रेस रखनी है, अच्छे से रखनी है। वहाँ पे एक सजेशन देता है गूगल कि आपको नेक्स्ट जेन फॉर्मेट जो है उनमें अपनी इमेजेस अपलोड करनी चाहिए वर्डप्रेस में, अपनी वेबसाइट में। उससे क्या होगा कि जो कंप्रेशन होगा वो भी अच्छे से होगा, और वेबसाइट में जो वेब में जो इमेजेस होती है वो अच्छे से लोड हो जाती है, फास्ट लोड होती है। तो ये गूगल भी आपको सजेशन देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्व इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये अच्छे से कंप्रेस हो जाती है और डाटा भी कम लेती है ना। तो इस तरह से आपको ये इमेजेस वेब में अपनी अपलोड करनी चाहिए। अब अपलोड कैसे करती है वो वीडियो मैंने बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन किस तरह से कन्वर्ट करनी है वेब इमेज, या आपको वर्डप्रेस में क्या सेटिंग करनी होगी, वो मैंने सब बता रखा है वीडियो में, वो नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं ऑफलाइन की। अगर आपको ऑफलाइन कोई इमेज क्रिएट करनी है, कन्वर्ट करनी है, तो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के नीचे मिल जाएगा, आपको एक वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आ जाना है आपको, यहाँ पे पेंट डॉट नेट 4.2.10 लिखा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे डॉट पीडीएन पे है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेंट डॉट नेट फिर से ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आ जाएगा डाउनलोड करने का, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने जो कंप्यूटर होगा आपके पास है उसमें इंस्टॉल कर दें इसको। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का लेआउट दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आपको अपनी इमेज क्रिएट करनी है। इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपको सब टूल मिल रहे हैं, यहाँ पे कलर दिख रहा है, यहाँ पे और बहुत सारे टूल हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज करते हैं तो ये मैंने सिंपल सी एक इमेज बना दी है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि कितना स्पेस लेती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे। मैं सबसे पहले इसको PNG में ट्राई करता हूँ कि कितना ये स्पेस लेती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 KB ये स्पेस ले रही है, ठीक है, PNG में। अभी हम JPG में इसको ट्राई करते हैं, और JPG में हम सेव करते हैं तो ये 16 KB के आसपास मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसको बैटरी में ट्राई करते हैं, अगर हम इसको बैटरी में ट्राई करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 KB। तो PNG में 12 KB आ रही थी, JPG में लगभग 16 KB आ रही थी। और अगर हम इसकी बात करें, बैटरी की बात करें, तो 4 KB आ रहा। अगर मैं इसकी क्वालिटी 100% भी कर देता हूँ तो यहाँ पे 4.4 KB आ रहा। अगर उनकी मैं 100% क्वालिटी कर देता तो उनका जो साइज़ होता और बढ़ जाता। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से क्रिएट करना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से सीधा ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपकी सेव होगी, ठीक है। तो इसको इसके बाद आप अपनी वेबसाइट में लोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कोई इमेज आपको कन्वर्ट करनी है तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले आप इमेज में चले जाइए, ठीक है। मैं इसको ओपन भी करता हूँ यहाँ पे पेंट में, ठीक है। ये पेंट में ओपन हो गया। अभी मैं इसको फाइल सेव एज करता हूँ, यहाँ पे JPG है, सेव पे क्लिक किया,
यहाँ पे सिर्फ 71, तो यहाँ पे अगर 100% की बात करें तो 237 के लिए आ रहा है। अभी देखते हैं दूसरे में कितना आ रहा है, इसे हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अभी हम बैटरी में देखते हैं, बैटरी में हो सकता है दोस्तों थोड़ा ज़्यादा है, इसमें 258 आ रहा है। अब दोस्तों इसमें हम कंप्रेस कर सकते हैं, 70 to 85 करते हैं, 70 to 85, तो आपकी इमेज में 1 भी% फर्क नहीं दिखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें कर देता हूँ 50% का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% का कंप्रेशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल साइज हो गया 20 KB, कहाँ 200+ वो साइज था, अभी कितना हो गया 20 KB। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके करके इसको सेव कर सकते हैं, उसके बाद अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो गूगल को भी इसका अच्छा साइन मिलेगा कि आप नेक्स्ट जेन इमेजेस को यूज़ करें अपने वेबसाइट में, और स्पीड भी आपको अच्छी मिलेगी वेबसाइट में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप वेब इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट में भी वेब की इमेज अपलोड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप जाओगे तो अपलोड नहीं होगी, इसके लिए आपको नीचे मैंने वीडियो बना के देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो थैंक यू।